हाँ जी, सत श्री अकाल जी, किवें सारे वधिया हो। ये जो है ना प्योर जुनून का दुपट्टा है और उस पर ये बड़े बड़े मैंने जो है ना चार फूल डाले हैं, थ्री कलर्स यूज किया मैंने, व्हाइट, रेड और पिंक। ये देखो पिंक कलर यूज किया है और व्हाइट। ये फ्लैट 8 नंबर का ब्रश है और ये मुड़ा हुआ पत्ता है ना, ये भी मुड़ा हुआ पत्ता और ये भी मुड़ा हुआ पत्ता शोर है, और ये खाली उंगली व्हाइट और पिंक कलर से डबल शेड। मैं ना दुपट्टे में ही ज्यादातर फ्लैट ब्रश यूज करती हूँ, फिर ना उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। गोल ब्रश फिर 8, 10, 12 नंबर से बड़ा ब्रश जो है ना बढ़िया नहीं चलता, इसलिए ये खाली जो है ना चार फूल बनाए हैं और प्योर जुनून का दुपट्टा है। साइडों पे मैंने इसके शेडिंग की है, इसके साथ का फ्रॉक सूट अभी बनाना है, ठीक है। अब ये दुपट्टा बना के इसकी वीडियो बना के फिर ये दुपट्टा मैं अड्डे से उतार के और इसी पे फिर इसी अड्डे पे फ्रॉक सूट बनाऊंगी। फ्रॉक के फ्रंट पे भी और बैक के पे भी चोली बाजू वगैरह वो सब बनाऊंगी, और छोटे अड्डे पर वो फ्रॉक लगेगी नहीं, इसलिए ये वीडियो अलग अलग बनेगी, पहले दुपट्टे की बन जाएगी और फिर फ्रॉक सूट की। ये जो 5 सूट बनने आए थे ना, ये उनका लास्ट सूट है, शुक्र है। अब इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, बाकी सारे तो मैंने पानी लगा के बनाए हैं, पहले नीचे पानी लगा लिया और ये फिर मैंने ये वीडियो बनानी थी इस करके पानी नहीं लगाया, फिर वो पानी लगाने से जल्दी तो बन जाता है लेकिन वो फिर सूखता धीरे से है, फिर इसकी फिनिशिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने पानी नहीं लगाया। अब मैं ये ब्रश अच्छे से देख लो भी कहीं ऐसे रहता तो नहीं, क्योंकि बाद में सूखने के बाद फिनिशिंग नहीं हो पाएगी, कहीं भी सारी जगह पे अच्छे से मिक्सिंग करके फिर हम ये, और यहाँ थोड़ा सा मुझसे फैल गया है कलर, इसको अभी नहीं छीलना, ठीक है। जब ये सूख जाएगा ना अच्छे से तब इसको ठीक करेंगे, ओके। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी में गिले गिले पे ही ये कर दिया। अब मैं रेड कलर ले रही हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं छोड़ देती हूं ताकि ब्लैक में टच ना हो जाए, जहां जहां पे हमने पिंक कलर लगाया ना।
वहां वहां पर रेड कलर लगाते जाएंगे। दो दो पत्ती करके जो है ना इसकी मिक्सिंग कर दूंगी मैं। आप कहते हो बोल के बनाओ वीडियो, और सर्दियों में बोल के बनाने वाली वीडियो में क्या है ये सूखता नहीं है ना जल्दी, तो मैं धीरे धीरे बनाती रहती हूँ और फिर उसको स्पीड में करके लगा देती हूँ। और ऐसे है ना गर्मियों में तो साथ के साथ सूखता रहता है ना। हम इतने में ये सूखता है जितने में इसकी फिनिशिंग वगैरह करेंगे उतने में हम इसकी लिप्स बना लेंगे। लिप्स बनाने के लिए ना मैं लाइट ग्रीन कलर लूंगी। ओके, चाहे तो पहले येलो कलर आप पहले मैं येलो कलर लगा देती हूँ और उसके ऊपर ग्रीन चला दूंगी। चाहे तो प्लेट में ही मिला लो चाहे प्लेट सारी मेरी ना कलरों से भरी पड़ी है, कहीं भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। पत्तों में पतला पतला ही कलर लगेगा।
जो है डार्क ग्रीन लूंगी मैं, ग्रीन के अंदर थोड़ा सा ब्लैक में लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये फैल रहा है ना रेड के ऊपर, तो इसीलिए मैं जल्दी वाली वीडियो बनाती हूँ कि धीरे धीरे आराम आराम से पहले बना लेती हूँ। अब ये रेड के ऊपर कलर चढ़ जाता है, नहीं तो जल्दबाजी में कभी किधर कभी। बड़ा फूल है और थोड़ा धीरे सूखते हैं ना फिर। इसकी फिनिशिंग जो है ना बाद में कर देगी, एक बार बस इसको पत्तों को ऐसे शेप दे देनी है कि ये पत्ते बन गए हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये पत्तों ये सूख जाएंगे ना, तो फिर इसकी आउटलाइन कर देंगे। अब जैसे यहाँ से ये सूख जाएगा तो रेड कलर दोबारा करके इसको जो फैला है ना वो ठीक करेंगे, यहाँ पर भी व्हाइट कलर और रेड कलर करके इसको ठीक करेंगे। और जहाँ तक पॉसिबल हो ना डार्क कलर अगर आपका फैल जाता है बाई चांस, तो उसको उसी टाइम ना जहां से थोड़ा थोड़ा फिंगर से ना साइड पे कर दो, जो जैसे व्हाइट कलर पर ये लग गया ना, तो इसको उसी टाइम थोड़ा थोड़ा कोशिश करो डार्क कलर को साफ कर दो, थोड़ा रह जाए ताकि। अब एक जैसे ये ब्राउन वाली बनाइए ना इस तरह से, ये डंडियां सी इधर भी बनाएंगे। ये बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा जब बन जाएगा ना, और अभी तो इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे ये तैयार हो जाएगा
अब ये सूखा होना चाहिए बाकी का काम करने के लिए। हम देखते हैं धीरे धीरे सूख गया तो अब इसके अंदर हमको व्हाइट कलर करना है। ध्यान रखना है अब ये करके देखेंगे अगर फैल रहा है तो इसको थोड़ी देर सूखने देंगे। ठीक है, अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ 5 मिनट के लिए फैन चलाती हूँ ये सूख जाए। ठीक है, अब यहाँ पर सारे पर इस तरह से लाइनें लाइनें लगाएंगे। ठीक है, मैं 2 सेकंड के लिए फैन चलाती हूँ। देखो सर्दियों में फैन चलाना पड़ता है और गर्मियों में बिना फैन के ही सूख जाता है। इतने में हम इसको साइडों में ही ब्राउन कलर है फैल जाता है। अब तो ये सूख जाएगा इसलिए इसको वहां वहां से इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। सर्दियों में वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, खासकर बड़े फूलों की, और एक ही फूल सिखाना हो तो, क्योंकि वो सूखेगा ही नहीं तो फिर उसके आगे वाला स्टेप नहीं बता सकते ना। और छोटे छोटे फूल हो तो चलो एक फूल वहां बता दिया, एक फूल वहां बता दिया, ऐसे भी हो जाता है। ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ ये बिल्कुल सूखने के बाद लगानी है, लेकिन अब ये सूखेगा ही नहीं तो मैं ऐसे वीडियो में कैसे बता सकती हूँ आपको कि ये लाइन लगाओ। और पंखा चलते चलते तो कुल्फी जम जाएगी सर्दी में, वो भी नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले एक फूल वहां बना दिया, उतना वहां बना दिया, फिर इधर आ जाती हूँ, फिर सूख जाता इधर आ जाती हूँ, इस तरीके से बनाती हूँ फूल। और ये जल्दबाजी में देखो ये यहाँ पर फैल गया। ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकती, पर काम तो बढ़ जाता है ना फूल, ये रिमूव नहीं हो सकता जो फैल जाए, लेकिन ठीक हो सकता है, उसके लिए फिर दिमाग चाहिए। अब देखते हैं ये लाइनें लगा के कि अब फैल रहा है या सूख गया। इस तरह से ये लाइनें जैसे मैं लगा रही हूँ ना, चारों तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगाकर ऊपर येलो के डॉट्स लगा देंगे। ओके, 2 मिनट और देख लेते हैं, सूखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वीडियो बंद करती हूँ, फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और जैसे ये जो ग्रीन है वो जब सूखेगा, अभी तो गीला है तो ग्रीन उतर रहा है, जब वो सूखेगा तो यहाँ पर रेड कर देंगे। अभी तक देखो गीला पड़ा है, और जब उसी तरह से ही जब सूखेगा तो यहाँ पर भी दोबारा से रेड कर देंगे। देखो रेड करने से ये अंदर को चला गया, और वो ऊपर साइड साइड जो है व्हाइट कलर कर देंगे, इस साइड जो है व्हाइट कलर कर देंगे। पर ध्यान रखना है सूखने के बाद,
क्योंकि गीले गीले में तो फिर वो सारा ही काला हो जाएगा फूल। अभी भी गीला है, एक बार हो गया फिर एक बार फिर दोबारा करूंगी। ठीक है, अब मैं फैन बंद करके देखती हूँ, हो सकता है कुल्फी जम गई मेरी, तो इतनी ठंड लग रही है। मैंने तो कभी गर्मियों में नहीं फैन चला के काम किया। ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से लाइनें लगा रही हूँ मैं, जैसे कि नीचे वाले कलर को पता ना लगे, और मजबूरी है आपको बताने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, अदरवाइज तो मैं इसको पूरा सूखने के बाद ही डॉट्स लगाऊंगी। अब मैं वहां पे वो जो फूल है वो पहले से मैंने बना रखे हैं, और उस पर ये लाइनें लगाऊंगी तो कोई रिस्क नहीं है। अब ये गीला गीला है, अब बस ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा सूखता है ना, इस पर ऐसे ऐसे करके येलो के डॉट्स लगा देंगे, और इसके सेंटर में यहाँ पे अगर आप पहले से छोड़ लो तो वो आपकी मर्जी है, इतना इतना पे कलर मत लगाओ। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है इसको अच्छी तरह से कलर को या तो उतार दो, अदरवाइज इसको सूखने दो। अब यहाँ पर इस पर व्हाइट कलर करना है मुझे। ओके ओके फ्रेंड्स, अब मैं ज्यादा वो नहीं कर सकती, इंतजार बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अब ये इसी तरह से वो देखो आप ऐसे चार दुपट्टे पे बनाए हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू।